नमस्ते दोस्तों, ज्ञान 365 चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक गुड न्यूज है फ्रेंड्स, आईबीपीएस ने 2020 के लिए रीजनल रूरल बैंक का नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया है। इसमें टोटल असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3, ये कुल मिला के टोटल 9,640 वैकेंसीज है। तो अच्छे वैकेंसीज है फ्रेंड्स 2020 के लिए। तो इसका जो ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करते हैं इसके बारे में आज हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे आप वैकेंसीज भी चेक कर सकते हैं, कौन से पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑफिस असिस्टेंट के लिए 4,064 है, ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए 3,800 है, देन ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए 838 वैकेंसीज है, ऑफिसर स्केल 2 इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर के लिए 59 वैकेंसीज है। ये सभी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, बैचलर ऑफ डिग्री, देन यहाँ पे अदर पोस्ट भी है। तो ये पूरी डिटेल्स आप यहाँ पे नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये नोटिफिकेशन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अप्लाई करने के पहले यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया है फ्रेंड्स, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज एंड कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर। हाउएवर अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट इन ऑफिसर्स कैडर, दैट इज ऑफिसर स्केल 1 और स्केल 2 और स्केल 3। तो अगर आपको ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। मतलब सिंपल है, आप ऑफिस असिस्टेंट और कोई भी ऑफिसर स्केल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं आईबीपीएस के ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई की जो लिंक है वो यहाँ पे दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिस असिस्टेंट की लिंक है, देन स्केल 1, स्केल 2 एंड स्केल 3। तो जो भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे जो ऑफिस असिस्टेंट की जो पोस्ट है यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स लिखा है, कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 1 जुलाई 2020, देन यहाँ पे जो लास्ट डेट लिखा है क्लोजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 21 जुलाई 2020। तो आप 1 जुलाई 2020 से लेकर 21 जुलाई 2020 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे लिखा है क्लोजर ऑफ एडिटिंग एप्लीकेशन डिटेल्स, ये भी डेट सेम है 21 जुलाई 2020। देन यहाँ पे लिखा है लास्ट डेट फॉर प्रिंटिंग योर एप्लीकेशन 5 अगस्त 2020। देन यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है ऑनलाइन फी पेमेंट, ये भी डेट है 1 जुलाई 2020 से लेके 21 जुलाई 2020। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। अभी यहाँ पे आप राइट साइड में देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर कैंडिडेट्स। हो सकता है आपने इसके लिए ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया है और आपको कुछ एडिट करना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है, ई रिसिप्ट प्रिंट निकालना है या एप्लीकेशन प्रिंट निकालना है, तो आप यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है जो पासवर्ड है वो एंटर करके आप ये प्रिंटआउट वगैरह निकाल सकते हैं। देन यहाँ पे आप टॉप पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया है। तो अप्लाई करने के पहले फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है प्लीज नोट दैट ऑल द पर्टिकुलर्स मेंशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग नेम ऑफ द कैंडिडेट, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेफरेंसेस फॉर आरआरबी, ईटीसी विल बी कंसिडर एज अ फाइनल एंड नो चेंजेस मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड आफ्टर फाइनल सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन फॉर्म। तो जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो जो आपकी डिटेल्स है प्रॉपर आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर कुछ आपकी मिस्टेक होती है और आप फाइनल फॉर्म सबमिट करते हैं तो बाद में आप ये चेंजेस नहीं कर सकते, तो इसका भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो जैसे आप ये फॉर्म फिल करेंगे बिल्कुल केयरफुली आपको ये फॉर्म फिल करना है। तो अभी मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अभी लेफ्ट साइड में आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट नेम टाइप करना है, देन कंफर्म करना है, देन मिडल नेम या जो आपका फादर का नेम है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, देन यहाँ पे अगर आपका लास्ट नेम या सर नेम है तो वो भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो ये डिटेल्स मैं अभी यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने मेरा नेम, फादर्स नेम एंड सर नेम टाइप किया है। जैसे यहाँ पे टाइप करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल नेम यहाँ पे आया है, देन हमारा जो मोबाइल नंबर है वो टाइप करके यहाँ पे कंफर्म करना है। अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर वगैरह है तो वो भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने मोबाइल नंबर एक डमी मोबाइल नंबर टाइप किया है, देन यहाँ पे आपके पास कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो वो भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपकी जो ईमेल आईडी है वो टाइप करके यहाँ पे कंफर्म करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मेरा ईमेल आईडी टाइप किया है, देन यहाँ पे जो भी आपका डोमेन नेम है जीमेल, रेडिफ मेल, हॉटमेल वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, देन यहाँ पे फिर से एक बार टाइप करके कंफर्म करना है, देन यहाँ पे जो सिक्योरिटी कोड है कैप्चा वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। देन फ्रेंड जैसे ये डिटेल फिल हो जाते हैं आप चाहे तो एक बार देख सकते हैं, अगर अभी भी आपको इसमें कुछ एडिट या चेंजेस करना है तो आप यहाँ पे ये चेंजेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूं।
देन जैसे फ्रेंड 7x पे क्लिक करते हैं, आपको आपकी डिटेल्स कंफर्म करके ओके करना है। देन ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है योर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर इज, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंड पासवर्ड भी यहाँ पे दिया है, तो ये आपका भी यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। देन यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है, हमारा जो फोटोग्राफ एंड जो सिग्नेचर है वो यहाँ पे अपलोड करना है। अप्लाई करने के पहले आप यहाँ पे जो साइज वगैरह है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। फोटो की जो साइज है 20 से 50 KB तक होना चाहिए और ये JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। इसी के साथ जो सिग्नेचर है, जो लेफ्ट थंब वगैरह होता है, उसकी साइज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 10 से लेके 20 KB, और ये भी JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, तो इसका भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे अभी चूज फाइल पे क्लिक कर देता हूं। आप यहाँ पे देख सकते हैं फोटोग्राफ अपलोड हो चुका है। इसी के साथ मैं सिग्नेचर भी अपलोड कर देता हूं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड हो चुके हैं। तो अभी मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, जो हमारी बेसिक डिटेल्स है वो हमको ये पेज में एंटर करना है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन है। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी है, जनरल, EWS, OBC, SC, ST, तो आपकी जो भी कैटेगरी है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे लिखा है आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है। जैसे आप यहाँ पे यस करते हैं, आपकी जो डिसेबिलिटी है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, HIV या अदर का भी ऑप्शन है। देन जैसे आप यहाँ पे ये सिलेक्ट करते हैं, जो भी आपकी रिलेवेंट डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो मैं यहाँ पे अभी नो पे क्लिक कर देता हूँ। देन यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है आर यू ए चाइल्ड फैमिली मेंबर ऑफ दोज हु डाइड इन 1984 राइट्स, तो यहाँ पे मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ। देन यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है रिलीजन टू विच यू बिलोंग, तो यहाँ पे जो भी आपका रिलीजन है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे लिखा है डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो यहाँ पे मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते तो आपको यहाँ पे यस करना है। देन यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है आर यू एन एक्स सर्विसमैन, तो यहाँ पे भी मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ। देन यहाँ पे लिखा है आर यू डिसेबल एक्स सर्विसमैन, तो यहाँ पे भी मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आप एक्स सर्विसमैन या डिसेबल एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग यस कर सकते हैं। देन यहाँ पे लिखा है पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर, ये एक्स सर्विसमैन रिलेटेड है तो यहाँ पे डिसेबल हुआ है ऑप्शन। देन यहाँ पे हैव यू ज्वाइन अ गवर्नमेंट जॉब ऑन द सिविल साइड आफ्टर अवेल ऑफ द बेनिफिट्स, तो ये भी एक्स सर्विसमैन रिलेटेड है तो आप यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग यस या नो कर सकते हैं। देन यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है आर यू डिपेंडेंट ऑफ अ सर्विसमैन किल इन एक्शन DSA, तो ये भी आप आपके अकॉर्डिंग यस या नो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर देता हूं। अगर आप यहाँ पे यस करते तो जो नीचे रिलेवेंट डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। देन यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विडो डाइवर्स वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स एंड हु आर नॉट रीमैरिड। अगर आप यहाँ पे विडो डाइवर्स वुमेन या आप हस्बैंड से अलग रहते और आपने रीमैरिड नहीं किया तो आप आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे यस कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर देता हूँ। देन यहाँ पे लिखा हैव यू अपीयर फॉर द CWE RRB अर्लियर, तो अगर हो सकता है फ्रेंड्स यहाँ पे आपने इसके पहले अपीयर हुए हैं या आपने अगर एग्जाम दिया है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप यस करते हैं तो इसके जो भी अटेम्प्ट है आपको यहाँ पे लिखना है। मान के चलो कि आपने यहाँ पे 2018 के RRB दिया है तो यहाँ पे आपको सिर्फ वन अटेम्प्ट करना है। देन जैसे यहाँ पे वन अटेम्प्ट आप करते हैं आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है सिलेक्ट द CWD RRB अटेम्प्ट अर्लियर, तो 2018 का यहाँ पे रहेगा CWD RRB 7। हो सकता है अगर आपने 2018 और 2019 के लिए अटेम्प्ट दिया है तो आपको यहाँ पे दो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे आप लिखा है सिलेक्ट RRB अटेम्प्ट अर्लियर, तो अर्लियर मतलब 2019 रहेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं RRB 8, तो ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो इसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर हो सकता है आपने चार बार दिया तो जो भी लेटेस्ट आपने RRB अटेम्प्ट किया है तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे नेशनलिटी सिटीजन का ऑप्शन है तो यहाँ पे मैं इंडियन सिलेक्ट कर देता हूँ। देन यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है स्टेट ड्यूटी फॉर विच यू वांट टू अप्लाई फॉर, तो जो भी स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हैं वो स्टेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन नीचे यहाँ पे लिखा है सेंटर ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, तो आप यहाँ पे ये एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे मेन एग्जामिनेशन का जो सेंटर है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में फर्स्ट ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे जो डेट है ऑटोमेटिकली आ जाती है। देन नेक्स्ट ऑप्शन है जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर मेल फीमेल है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन मैरिजल स्टेटस में यहाँ पे अनमैरिड मैरिड का ऑप्शन है,
विडो विडोअर डाइवर्स का ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे फादर्स एंड मदर्स नेम टाइप करना है, तो वो यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने मेरा फादर एंड मदर का नेम टाइप किया है। देन यहाँ पे स्पाउस का नेम, हो सकता है कोई मैरिड जेंट्स ये फॉर्म फिल कर रहा है तो उनके यहाँ पे जो वाइफ का नेम है वो यहाँ पे लिखना है, या इसी प्रकार कोई मैरिज लेडीज अगर ये फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उनके यहाँ पे जो हस्बैंड का नेम है वो आपको यहाँ पे स्पाउस नेम की जगह फिल करना है। देन यहाँ पे एड्रेस फॉर करेस्पॉन्डर्स, तो जो भी आपका यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने मेरा कम्युनिकेशन एड्रेस टाइप किया है। देन यहाँ पे नीचे लिखा है परमानेंट एड्रेस सेम एज एड्रेस फॉर करेस्पॉन्डेंस। अगर आपका कम्युनिकेशन और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो सिंपल आपको यहाँ पे जो चेकबॉक्स है यहाँ पे क्लिक करना है, या हो सकता है आपका परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस अगर डिफरेंट है तो आप यहाँ पे अनटिक करके जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो मेरे दोनों भी एड्रेस सेम है तो सिंपल मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ। देन यहाँ पे लिखा है चूज द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग, यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस या परमानेंट एड्रेस है तो कोई भी एड्रेस आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस सिलेक्ट कर देता हूँ। देन यहाँ पे आप कास्ट वाइज जो भी एप्लीकेशन फीस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन जैसे ये डिटेल्स फिल हो जाते हैं आप चाहे तो एक बार यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अगर अभी भी लगता है कि आपको इसमें कुछ एडिट या चेंजेस करना है तो आप ये चेंजेस कर सकते हैं। देन मैं यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरीफाई सक्सेसफुली हुआ है, तो यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। देन यहाँ पे सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे एजुकेशन रिलेटेड डिटेल्स है वो हमको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी देख सकते हैं, अगर आपके 59.99 या 85 मार्क्स है तो वो आपके यहाँ पे 59 ही मार्क काउंट हो जाएंगे, मतलब राउंड फिगर 60 मार्क्स से काउंट नहीं होंगे, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसी प्रकार आपके 54.99 मार्क्स है तो वो भी ओनली 54% मार्क्स काउंट हो जाएंगे, तो इसका भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम पास का ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट, देन यहाँ पे डिग्री सब्जेक्ट ट्री में, तो जो भी आपके यहाँ पे डिग्री हुई है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है आर्ट्स साइंस कॉमर्स, तो आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर इनमें से आपका कोई ऑप्शन नहीं तो यहाँ पे अदर्स का भी ऑप्शन है तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कॉमर्स पे क्लिक कर देता हूँ। देन यहाँ पे जो डेट ऑफ पासिंग है ये आपको आपके मार्कशीट पे दिखेंगी तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन आपके जो भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। देन यहाँ पे जो भी आपका फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास या पास क्लास है तो आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपका ग्रेजुएशन के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वो भी डिटेल्स आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। देन इसी के साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, हो सकता है आपका सीए सीएस या कोई अन्य कंप्यूटर रिलेटेड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास है तो वो भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे अदर्स का भी ऑप्शन है, तो इसमें आप कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट आपके पास है वो डिटेल्स फिल कर सकते हैं। टाइपिंग अगर है तो टाइपिंग रिलेटेड वगैरह डिटेल्स आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। देन यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज, तो यहाँ पे मैं यस कर देता हूँ। देन यहाँ पे लिखा है इफ यस डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, तो जो भी कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास है आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। देन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा है फ्रेंड्स, वेदर लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट सिलेक्टेड वॉज स्टडीड इन स्टैंडर्ड 8 और एनी लेवल अबव स्टैंडर्ड 8 इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स और एजुकेशन स्कूल आर हैविंग एनी सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड 8 और एनी लेवल अबव स्टैंडर्ड 8। तो इसका सिंपल मीनिंग ये है फ्रेंड्स कि जो भी स्टेट से आप अप्लाई करते हैं वो स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपको 8 स्टैंडर्ड में थी क्या, या 8 से ज्यादा जो भी आपने 10th 9th किया है उसमें लोकल लैंग्वेज आपके एजुकेशन में थी, तो वो आपको यहाँ पे यस करना है। मतलब सिंपल वर्ड्स में फ्रेंड, जैसे मैं ये फॉर्म महाराष्ट्र से अप्लाई करता तो ये स्टेट की जो मराठी लैंग्वेज है वो मुझे आना चाहिए, और मैंने जो भी एजुकेशन किया और उसमें भी जो मराठी का जो सब्जेक्ट है वो मेरे एजुकेशन में होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं यस पे क्लिक कर देता हूँ। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे यस पे क्लिक किया है मराठी लैंग्वेज का जो ऑप्शन है ऑटोमेटिकली यहाँ पे इनेबल हो चुका है। देन यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स, अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है या प्रेजेंटली आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वो भी डिटेल्स आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। देन यहाँ पे नेक्स्ट है अदर डिटेल्स, यहाँ पे लिखा है फॉर द सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ कैंडिडेट्स प्री एग्जाम ट्रेनिंग मे नॉट बी हेल्ड। अभी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कोरोना की वजह से जो एससी एसटी कैटेगरी की जो प्री एग्जाम की ट्रेनिंग होती थी वो अभी यहाँ पे नहीं होने वाली है। यहाँ पे लिखा है इनकेस इट इज पॉसिबल टू होल्ड प्री एग्जाम ट्रेनिंग आर यू डिजायर ऑफ टेकिंग प्री एग्जाम ट्रेनिंग, अगर हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में अगर ट्रेनिंग कंडक्ट होती है क्या आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है एग्जाम ट्रेनिंग के लिए, तो आप यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग यस या नो पे क्लिक कर सकते हैं।
मैं यहाँ पे देख सकते हैं ओबीसी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे फैसिलिटीज नहीं है, बट आप यहाँ पे एससी या एसटी कैंडिडेट्स हो या माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन जैसे आप यहाँ पे यस करते हैं, जो भी आपको ट्रेनिंग सेंटर चाहिए आप आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये सिलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है वेदर एनी प्रोसिक्यूशन डिटेंशन फाइन कन्विक्शन सेंटेंस अगेंस्ट यू हैज बीन अवॉइडेड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी ऑफेंस। अगर हो सकता है आपके खिलाफ कुछ मुकदमा कुछ पुलिस केस वगैरह है तो उसके रिलेटेड आप यहाँ पे यस या नो कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पे यस करते तो जो भी आपके रिलेवेंट डिटेल्स है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। देन यहाँ पे लैंग्वेजेस नोन का ऑप्शन है तो यहाँ पे मैं ये डिटेल्स फिल कर देता हूँ। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इंग्लिश मराठी एंड हिंदी ये लैंग्वेजेस यहाँ पे टाइप किया है, तो मुझे ये तीनों लैंग्वेजेस रीडिंग राइटिंग और स्पीकिंग भी आती है, तो आप भी आपके अकॉर्डिंग जो भी लैंग्वेजेस के डिटेल्स आपको है आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। देन मैं यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक कर देता हूँ। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं वेरीफाई सक्सेसफुली हुआ है, आपको अगर इसमें कुछ चेंजेस करना है तो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। देन मैं यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइजेशन मतलब बैंक प्रेफरेंस का ऑप्शन आ चुका है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने महाराष्ट्र से अप्लाई किया है तो महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक एंड विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक, तो ये दो ऑप्शन मुझे मिले तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। हो सकता है आप अदर स्टेट से अप्लाई करते हो तो जो भी आपके स्टेट की जो बैंक है वो आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे मैं वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरीफाई सक्सेसफुली हो चुका है। देन यहाँ पे मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी हमने डिटेल्स एंटर किया है उसका हम यहाँ पे प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। अगर अभी भी आपको इसमें लगता है कि कुछ एडिट या चेंजेस करना है तो आप यहाँ पे ये चेंजेस कर सकते हैं। अभी आप यहाँ टॉप में देख सकते हैं जो हमारा फोटोग्राफ है यहाँ पे लिखा है आई कंफर्म दैट दिस इज माय फोटो, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। देन यहाँ पे जो डिक्लेरेशन का ऑप्शन है यहाँ पे भी मैं आई एग्री पे क्लिक कर देता हूँ। देन यहाँ पे हमारे जो सिग्नेचर है यहाँ पे लिखा है आई कंफर्म दैट दिस इज माई सिग्नेचर, तो यहाँ पे भी मैं टिक कर देता हूँ। और अभी भी फ्रेंड्स आपको लगता है कि आपने जो प्रीवियस पेज में कुछ रॉन्ग डिटेल्स वगैरह टाइप किया है तो आप यहाँ पे बैक का ऑप्शन देख सकते हैं, तो यहाँ पे बैक में क्लिक करके आप एडिट या चेंजेस कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा है आर यू श्योर एज नो चेंज एडिट ऑफ एप्लीकेशन विल बी अलाउड आफ्टर सबमिट, तो यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड, जो लेफ्ट हम इम्प्रेशन है एंड जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक कर देता हूँ। देन यहाँ पे हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है, और यहाँ पे फ्रेंड्स आप हैंड रिटन डिक्लेरेशन का फॉर्मेट भी चेक कर सकते हैं। सिंपल आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिखा है आई आशीष डी चौधरी हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट ट्रू एंड वैलिड आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, तो ऐसे समथिंग आपको भी आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन बना के अपलोड करना है। जैसे ही अपलोड हो जाता है यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स सिक्योरिटी कोड का ऑप्शन है, तो ये मैं टाइप कर देता हूँ। जैसे ये टाइप हो जाता है मैं यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा है आर यू श्योर द डेटा एंटर इन इज करेक्ट एज नो चेंज एडिट ऑफ एप्लीकेशन विल बी अलाउड आफ्टर फाइनल सबमिट, तो अभी भी अगर आपको लगता है फ्रेंड्स कि इसमें कुछ एडिट या चेंजेस करना है तो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स का फॉर्म रॉन्ग डिटेल्स एंटर करने की वजह से रिजेक्ट हो जाता है, तो इसका भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, तो मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अभी यहाँ पे आप एप्लीकेशन फी देख सकते हैं, देन फिर से नीचे यहाँ पे सिक्योरिटी कोड है तो ये मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। जैसे ये टाइप हो जाता है यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा है डू यू वॉन्ट टू सबमिट, मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट का पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड प्लस एटीएम पिन, इंटरनेट बैंकिंग, या इसी के साथ क्यूआर यूपीआई का भी आप ऑप्शन देख सकते हैं। अगर आपको डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना है तो सिंपल आपको यहाँ पे जो आपका कार्ड नंबर है वो डिटेल्स आपको यहाँ पे टाइप करना है। देन कार्ड के ऊपर जो एक्सपायरी डेट होती है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे सीवीवी या सीवीसी नंबर, कार्ड के पीछे जो 3 डिजिट का नंबर होता है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। देन यहाँ पे कार्ड होल्डर नेम, तो जो भी कार्ड के ऊपर आपका नेम लिखा है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। देन जैसे डिटेल्स फिल हो जाती है आपको यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। देन जैसे आप मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, आपका ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है सक्सेसफुल सबमिट हो जाता है। तो इसी प्रकार फ्रेंड्स आप भी ये वीडियो देख के स्टेप बाय स्टेप आरआरबी 2020 के लिए जो भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करते समय जो भी आपको दिक्कत या प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं ये वीडियो को समाप्त कर देता हूँ।
इसके अलावा गवर्नमेंट सेंट्रल या स्टेट लेवल जॉब अपडेट्स या अदर इन्फॉर्मेशन अपडेट्स पाना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।